नमस्कार, वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोंदिया में पैसेंजर और मालगाड़ी के बीच टक्कर, कई यात्री हुए घायल, देर रात हुआ हादसा। भंडारा समेत गढ़चिरौली और चंद्रपुर में बाढ़ के बने हालात, स्कूलों में आज छुट्टी की गई घोषित। और परमात्मा एक आनंदधाम संस्था की ओर से कार्यक्रम का आयोजन, संस्था ने 42,000 परिवारों को नशे से कराया मुक्त। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के गोंदिया में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की भिड़ंत हो गई है, जिसमें 50 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में 3 बोगियां पटरी से उतरने की बात कही जा रही है और बताया जा रहा है कि हादसा रात के 2:30 बजे हुआ था। हादसे के पीछे सिग्नल न मिलने पाने का कारण बताया जा रहा है। हादसे की वजह से अब तक किसी की मौत की जानकारी सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि इनमें से एक ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से राजस्थान के जोधपुर जा रही थी। एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कई बोगियों में बैठे हुए लोगों को, 70-80 लोगों को जो है, किसी का सिर में चोट लगा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का कुछ हुआ है। इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है और इसके लिए जो है कोई अच्छी व्यवस्था नहीं रही है रेलवे की ओर से। और सुबह 5 बजे के आसपास जो है गोंदिया लाया गया। गोंदिया के पहले 7 किलोमीटर पहले जो यह घटना घटी है, जबकि हम लोगों को ये बताया गया कि गोंदिया जंक्शन में जाने के बाद वहाँ पे 3 घंटा गाड़ी रुकेगी और यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, मेडिकल की भी नहीं है, गाड़ी में पानी भी नहीं है। उनका व्यवहार जो है आ रहा है इस टाइप का बातें बोल करके 3 घंटा निकाल दिए, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। आप कुछ बोलेंगे? देखो, महादा को ले सकते हैं, जो शायद आपकी टीटी है, क्या है वो व्हाइट शर्ट में काले पेंट, मैंने बताया ना आपको उनका चेहरा, वो क्या बोल रहे थे, मैंने बताया कि ये जो टीम बनी है, इधर देखो, या जो एक्सीडेंट हुआ इसकी एक टीम बनी होगी, इसका कोई एक लीडर होगा जो मॉनिटरिंग कर रहा होगा, तो बोलता है कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बोले आप इसका, ऐसा बोलते हैं वो। जब वो बोला वीडियो बनाता हूँ तो खिसक ली वहाँ से, और अभी देखिए दूर में खड़े हैं। तो अगर रेलवे के एम्प्लॉई अगर इस तरीके की बात करेगा तो हम क्या उम्मीद करते हैं किसी और से। और यही निवेदन करूंगा महोदय से कि आइंदा जो भी हो इस प्रकार के कुछ होता है, पब्लिक की कहना चाहिए, उसको भावनाओं को समझ कर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए सब बातों पर। और रेलवे इतना गैर जिम्मेदार संस्था नहीं है, इसको एक अपनी जिम्मेदारी इसको लेना पड़ेगा। अभी कोरोना टाइम में जैसे लिया, उसके बाद भी आपने कोई व्यवस्था नहीं की अभी तक, पब्लिक परेशान है, तो थोड़ा सा समझिए उस चीज़ को आपने। बस यही मेरा निवेदन है और रेल मंत्री जी से भी निवेदन है, प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। रायपुर से चले थे, खाना खा के सो गए, ठीक है। ट्रेन वैसे भी 1.5-2 घंटे लेट थी, हाँ ठीक है। सोने के बाद जहाँ जिस स्पॉट पे ये घटना हुई उस पर सोते हुए बस अचानक से एक बड़ी तेज़ आवाज़ आई, ट्रेन थोड़ी हिली और बड़ी तेज़ आवाज़ आई। अच्छा। और वो आवाज़ के साथ हम नीचे गिर गए सब लोग। करीब कितने लोग गिरे? मुझे तो अपना याद है। अच्छा। और सामने जो थी एक लेडी थी, उनके सिर से खून बह रहा। बहुत लोग आए ना फोटो? हाँ। तो अच्छा ये बताओ, ये डब्बा किधर था, ये पीछे था कि आगे था? और मेरा कोच था अपना एसी एक्स्ट्रा कोच। अच्छा, बीच में थे? हाँ, बीच में डब्बा था, आगे था? सामने के डब्बे। करीब एक डब्बा वहीं पे है क्या अभी? करीब 1:45 बजे के आसपास की बात। और वहाँ एक डब्बा भी वहीं है क्या अभी? अभी स्टेटस क्या है मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा, इसमें काफ़ी यात्री बहुत गंभीर अवस्था में हताहत हुए। अच्छा, लेकिन उनके इलाज की कोई व्यवस्था। करीब करीब कितने थे? 40 से 45 लोग घायल हुए हैं, जिनके हेड इंजरी ज़्यादा हुई है जिनको। अच्छा। कुछ लोगों के हाथ टूटे हैं, उनका एक्सरे तक नहीं हुआ है किसी प्रकार से। एक ग्रुप के हमारे साथी हैं, उनका भी हाथ टूटा है पर उनका एक्सरे नहीं हुआ है। अभी हम उनको ग्रुप वापस भेज रहे हैं ट्रेन में बैठा के। और इस प्रकार से ना तो उनके खाने की व्यवस्था की गई यहाँ पे, ना उनके पानी की व्यवस्था की गई। ट्रेन में भी पानी नहीं था, हमने जब आके बोला तब पानी भरा गया और अधिकारी लोग बराबर जवाब नहीं दे रहे। ऐसा सुनने में आया है कि आनंद फानन में कुछ लोगों को KTS हॉस्पिटल ले जाया गया है,
अभी जाकर हम वहाँ पता करते हैं क्या स्थिति है और यहाँ पे और जानकारी देंगे। और बाकी के मरीज कहाँ हैं? बाकी के मरीजों को ट्रेन में बैठा के भेज दिया गया है। जबरदस्ती कर आपका इलाज नागपुर में करेंगे हम, आप नागपुर चलो। ट्रेन यहाँ सुबह 5 बजे गोंदिया स्टेशन में आ गई थी, हम लोग सुबह 6 बजे से यहाँ स्टेशन में हैं और यात्रियों का हालचाल ले रहे थे, लेकिन रेल प्रशासन का कोई अधिकारी फोन नहीं उठाया, न कोई किसी ने बात किया हमसे। प्राइमरी स्टेज पर जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उस ट्रीटमेंट के अलावा जो यात्रियों को मिलना चाहिए ट्रीटमेंट ऐसे आपदा के समय, वो आपदा के समय गोंदिया जैसे जंक्शन में अगर वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो आप कहाँ, यात्री लोग कहाँ की अपेक्षा कर सकते हैं कि वो ट्रीटमेंट उनको और कहीं मिले करके। जब रात के 1:30 बजे ये हादसा हुआ, उसके बाद उन सब यात्री जो जिनको लगा था, जिनको आमगांव ले गया गया, आमगांव में उनका कुछ ट्रीटमेंट किया गया और एक पेन किलर दिया गया, उसके बाद 5:15 बजे गाड़ी आई है, 5:15 बजे से लेके अभी 8:30-9 बज रहे हैं, गाड़ी अभी छूटी है, बस उनको यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई, सिर्फ एक टिटनेस का इंजेक्शन दिया गया, पेन किलर दिया गया है और थोड़ी बहुत पट्टी सर वगैरह में जिनको लगा था वो बांधी गई है। लेकिन जंक्शन में अगर व्यवस्था नहीं है तो आपदा, अगर ऐसी कोई बड़ी आपदा भविष्य में कभी घटती है तो जंक्शन में व्यवस्था नहीं है तो कहाँ व्यवस्था होगी, ये बताइए। फडणवीस सरकार का खाता आवंटन पूरा होने के बाद चर्चा थी कि शिंदे समूह में नाराजगी का स्वर है। शिंदे समूह के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने उनके अकाउंट से कुछ नाराजगी जताई थी, लेकिन अब जानकारी सामने आई है कि शिंदे समूह के 8 मंत्रियों को अतिरिक्त विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन 8 मंत्रियों को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास रखे विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस को गश्त करते समय कामठी परिसर में शहर में आते समय एक बुलेरो पिकअप कुछ मवेशियों को ले जाते हुए दिखी। पुलिस को उस बुलेरो में 9 गोवंशीय जानवर दिखते ही पुलिस ने वाहन को रोका, लेकिन आरोपी गाड़ी छोड़कर भागने में सफल हुआ। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर जानवरों को गौशाला में पहुंचाया है। इस कार्रवाई में गाड़ी और गोवंशीय जानवर ऐसा कुल 4,35,000 का माल जब्त किया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। रात्रपाई काल म्हणजे रात्री 10 ते सकाळी 10 वाजेपर्यंत पोलीस हवालदार श्री ढगे हे कर्तव्यावर हजर होते। ते पेट्रोलिंग करत असताना एरियामध्ये त्यांना हे वाहन दिसले, बोलेरो पिकअप, वाहन क्रमांक काय MH 31 FC 2538, आणि त्यांचा संशय त्या वाहनावर निर्माण झाला की याच्यामध्ये अवैधरित्या जनावरांची वाहतूक करत आहे, त्यामुळे ती गाडी त्यांनी थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण ते एकटेच असल्यामुळे त्यांनी NPC महेश आणि बीट मार्शल फैजूर आणि राहुल सिंग यांना तिथे बोलावलं, ती गाडी अडवली, पण काही वेळ ते एकटेच असल्यामुळे चालक तिथून फरार झाला गाडी थांबण्याच्या प्रयत्नामध्ये। नंतर ती गाडी त्यांनी पोलीस स्टेशनला आणली आणि कारवाई केली, तर ती गाडीची किंमत 3,00,000 रुपये आणि 9 जनावरे तर त्यांची काहीतरी 1,35,000 असं 4,35,000 रुपयाचा तो गुन्हा दाखल केलेला आहे आरोपीविरुद्ध। राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश देखी जा रही है। इस भारी बारिश से कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नालों में पानी भर जाने से यातायात भी काफी प्रभावित हुआ है। इसी बीच विदर्भ के कुछ जिलों में इस बारिश का बड़ा असर पड़ा है। भंडारा और चंद्रपुर जिलों के साथ विदर्भ के गढ़चिरौली जिले में बाढ़ का प्रकोप जारी है। इसी पृष्ठभूमि में आज भंडारा जिले के विद्यालयों में छुट्टी घोषित की गई है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिला कलेक्टर ने भंडारा जिले में आपात स्थिति को देखते हुए स्कूलों को छुट्टी देने के आदेश जारी किए हैं। आज भंडारा जिले के सभी स्कूलों, शिक्षण कक्षाओं, आंगनबाड़ियों में छुट्टी घोषित की गई है। भंडारा जिले में कई हिस्सों में कल से पानी भर गया है। इस स्थिति को देखते हुए भंडारा जिला कलेक्टर ने स्कूलों को छुट्टी देने का निर्णय लिया है। ये भी बताया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच 3 जिलों गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर में बाढ़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है, इसलिए आने वाले समय में बाढ़ के पानी का स्तर बढ़ेगा। इसलिए जिला प्रशासन सतर्क है और 3 जिलों गढ़चिरौली, भंडारा और चंद्रपुर में अभी भी कई सड़कें बंद है। भंडारा शहर सहित जिलों के कई लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। खबरों के सिलसिले में वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश।
पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। सबका फिर से स्वागत है। 1988 में स्थापित प्रिंटिंग प्रेस व्यवसाय में 8 व्यक्तियों ने धोखाधड़ी और विश्वासघात का मामला दर्ज कराया। जब कोर्ट में ये मामला चल रहा था तब उन 8 लोगों ने मानसिक परेशानी दी। इससे तंग आकर वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर विरघाट ने 10 अगस्त की रात मुख्यमंत्री के नाम 3 पत्र लिखकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में अकोट पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। 1988 में रमेश सर ने मोहन काजले, मदन जोशी, प्रभाकर जोशी, रमेश गायकवाड़, रमेश जैन, प्रेम कनौजिया, मोतीलाल कनौजिया ने शिवशक्ति प्रिंटिंग प्रेस लेनदेन में विश्वासघात किया। आर्थिक संकट में लाया गया अपराधी बना दिया गया। सीएम शिंदे सरकार मुझे मरणोपरांत न्याय दिलाए। पत्र में उल्लेख किया है कि 8 लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें धोखा दिया है। सभी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कार्यकर्ता सुशीर वाराघाट से जानकारी ली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व्यापक जांच के लिए एक विशेष जांच अधिकारी नियुक्त करें। सभी वित्तीय गारंटरों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी ने सहयोग नहीं किया लेकिन अपराधी ने किया। प्रभाकर विरघाट ने 10 अगस्त की मध्यरात्रि में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और इस नाइंसाफी की वजह से न्याय करने की बात लिखी थी। 1948 में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को भागवत कृपा प्राप्त हुई। उनकी याद में परमात्मा एक आनंद धाम एसोसिएशन की ओर से नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को नागरिकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया भी मिली। परमात्मा एक आनंद धाम एसोसिएशन की ओर से नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये संस्था अब तक 42,000 परिवारों को नशे से मुक्त करा चुकी है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने उन्हें इस संगठन से जोड़ा और कई लोगों को नशे से मुक्त कर उनके जीवन में सुधार किया। इस नशा मुक्ति कार्यक्रम में इस संगठन के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी और मातोश्री वाराणसी माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। संगठन द्वारा आयोजित नशा मुक्ति कार्यक्रम को भी नागरिकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। आजचा दिवस माझ्यासाठी महत्त्वाचा असतो। आपण पाहतो की हजारोच्या संख्येने परमात्माचे सेवक रामटेकला षष्ठीच्या कार्यक्रमानिमित्त थांबतात आणि दरवर्षी मागच्या 25 वर्षापासून या कार्यक्रमात उपस्थित राहत आहे आणि म्हणून आज या कार्यक्रमात मी उपस्थित राहिलो आणि त्यामुळे मी मुंबईला जाऊ शकत नाही। उद्यासाठी मी अधिवेशनाला हे बघा वंदे मातरम म्हणलं तरी चांगलं आहे, जय बळीराजा म्हणलं तरी चाललं आहे चांगलं आहे। त्यांनी म्हटलं जय बळीराजा म्हणा, आम्ही जय बळीराजा म्हणतो, परंतु आम्ही म्हटलं वंदे मातरम तर त्यांना वंदे मातरम एवढा द्वेष काय, हे काही न समजण्यासारखं आहे। तर त्यामुळे वंदे मातरमचा द्वेष करणाऱ्या पार्टीला या देशाची जनता जागा दाखवेल। सर्वच लोक मंत्री होऊ शकत नाही। मंत्रिपदाचा निर्णय हा सिनियरिटीवर, गुणवत्तेवर, रिजनल बॅलन्स ठेवून करायला पाहिजे आणि माननीय फडणवीस साहेब आणि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब हे सर्व लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करतील।
मंत्री पदाचा निर्णय गुणवत्तेवर होईल निकषावर होईल। भगवान बाबा हनुमानजी को प्रणाम, महानत्यागी बाबा जिंदूजी को प्रणाम, परमात्मा है। मी हा परमात्माशी महानत्यागी बाबा जिंदूजी 1980 पासून जुड़लो आणि 1980 पासून व्यसनमुक्तीचे कार्य करण्याची मला संधी महानत्यागी बाबा जिंदूजी यांच्यासोबत मला मिळाली आणि तेव्हापासून मी या व्यसनमुक्तीच्या कार्याला भिडलो आणि आतापर्यंत महानत्यागी बाबा जिंदूजी यांच्या मार्गदर्शनाने मी या नागपूर शहरात नाही, महाराष्ट्रात नाही, MP त नाही, छत्तीसगडमध्ये नाही, गुजरातमध्ये सुद्धा या 4 राज्यांमध्ये आतापर्यंत 42,000 परिवाराने व्यसनमुक्त झाले आहेत आणि त्यांना वळणीव राहणे आणि चांगला संस्कार सुसंस्कार देऊन त्यांचा जीवनमान उंच करण्याचं काम महानत्यागी बाबाजींनी जसा माझ्या परिवाराचा माझा केला तसा त्यांच्याही लोकांचं भलं व्हावं, जगातल्या लोकांचं भलं व्हावं हाच उद्देश बाबांनी मला दिला आणि ते उद्देश ठेवून मी हे कार्य करीत आहेत व्यसनमुक्तीचे। महानत्यागी बाबाजींनी लोकांचं भलं केलं, चांगलं केलं आणि म्हणून सगळ्या सेवकांनी त्यांचा सत्कार करावा म्हणून षष्ठीला भगवत कृपा प्राप्त झाली। ती कृपा जशी प्राप्त झाली बाबांनी ते सर्वांना तशीच्या तशीच वाटून दिली आणि तीच कृपा मलाही बाबांनी दिली आणि तीच कृपा बाबांनी आम्हाला दिली म्हणून लोकांचं भलं आम्ही करू शकलो आणि करू शकलो म्हणून अशी कृपा बाबांनी आम्हाला दिली तेव्हा आम्हाला वाटलं बाबा मरण पावल्यानंतर त्यांचं आम्ही का नाव भुलावं आणि म्हणून आजच्या दिवशी पंचमीला षष्ठीच्या एक दिवसा पहिले महानत्यागी बाबाजींच्या जिवंत काळापासून आम्ही सत्कार सोहळा घेत होतो। आता बाबा जरी नाही तरी त्यांचा सत्कार सोहळा घेण्याचं काम आम्ही आता नेहमी नेहमी दरवर्षी करत आहोत आणि उद्याही करत राहू। आजच्या कार्यक्रम आखण्याच्या मागचा उद्देश हाच आहे की हा जो मानव धर्म आहे महानत्यागी बाबा जिंदूजींनी 1948 मध्ये ही भगवत कृपा प्राप्त केली आणि ती भगवत कृपा प्राप्त होऊन त्यांनी आपले स्वतःचे दुःख दूर केले, व्यसनमुक्त केलं आणि त्यांनी आपले स्वतःचे दुःख दूर करून ते आपले स्वतःपर्यंतच न ठेवता त्यांनी संपूर्ण ह्या भारत देशामध्ये असणारे गोरगरीब लोकच ह्या व्यसनामध्ये ग्रासले असतात, म्हणजे त्या अंधश्रद्धेमध्ये, दारूमध्ये आणि असंख्य जुवा असो, टॉनिक असो, लॉटरी असो, ह्या असंख्य ह्या व्यसनामध्ये ग्रासलेले असते, ह्या लोकांना ह्या व्यसनातून मुक्त करण्याकरता त्यांनी हा जो ध्येय घेतला होता हा षष्ठीच्या दिवशी त्यांनाही भगवत कृपा प्राप्त झाली होती आणि तीच भगवत कृपा त्यांनी प्राप्त करून हा समाज व्यसनमुक्त करण्याचं काम त्यांनी संपूर्ण ह्या महाराष्ट्रामध्ये, ह्या संपूर्ण जगामध्ये ह्या दिवशी प्राप्त केल्यामुळे त्यांनी हा वाटून दिला म्हणून हा आजच्या दिवशी आम्ही त्यांचा स्वागत सत्कार सोहळा म्हणून आम्ही आजच्या दिवशी षष्टीच्या एक दिवसा आधी पंचमीला हा आम्ही स्वागत सत्कार त्यांच्या, त्यांनी आम्हाला व्यसनातून मुक्त केलं, त्यांनी स्वतः मुक्त झाले व्यसनातून आणि त्यांना आम्हाला असंख्य हजारो लोकांना ह्या व्यसनातून मुक्त करून व्यसनाधीन व्यसनातून मुक्त करून व्यसनमुक्त समाज असा घडवण्याच्या आणि एक सुसंकेत आणि सुसज्ज नागरिक बनवण्याकरता त्यांनी आम्हाला मदत केली आणि त्यांना आम्हाला जीवन घडून आलं म्हणून त्यांचं स्वागत सत्कार सोहळा म्हणून आम्ही षष्टीच्या एक दिवसा आधी महानत्यागी बाबा जिंदूजींचे आम्ही स्वागत सत्कार सोहळा। छत्तीसगढ़ के एक युवक ने नाबालिग लड़की को अगवा कर नागपुर लाया था, उसका यौन शोषण किया गया, इससे वो गर्भवती हो गई। जब बच्ची को पेट दर्द के कारण अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने इस पर गौर किया। इस मामले में हिंगना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 नवंबर 2020 को योगेश निषाद ने अपने ही गांव में रहने वाली 13 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे नागपुर ले आया। उसे हिंगना क्षेत्र के वागदरा में किराए के कमरे में रखा गया था। योगेश ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। इसी दौरान दोनों गाँव में बदनाम हो गए, लेकिन लड़की अपने माता पिता के डर से गाँव वापस जाने को तैयार नहीं थी। सोमवार की सुबह योगेश उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले गया क्योंकि वो पेट दर्द से पीड़ित थी। वहां डॉक्टरों ने देखा कि वो 3 महीने की गर्भवती है। डॉक्टर ने उसकी कम उम्र को देखते हुए तुरंत इसकी जानकारी हिंगना पुलिस को दी। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर योगेश को गिरफ्तार कर लिया है। तो वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।